गुजरात के राजकोट में शनिवार को एक गेमिंग जोन में भीषण आग लग गई, जिसमें 12 बच्चों सहित कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई। शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन के अंदर उस समय आग लगी जब मॉल बच्चों से भरा हुआ था। ये आग इतनी तेज थी कि काफी दूर से शॉपिंग मॉल से धुआं निकलता हुआ देखा गया। जानकारी के मुताबिक आग मॉल के निचले हिस्से में लगी थी, जिसके बाद पूरे हॉल में धुआं ही धुआं हो गया। वीकेंड होने के कारण शॉपिंग मॉल में काफ़ी भीड़ थी। उस समय करीब 60 लोग मौजूद थे। माना जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी मॉल में फंसे हुए हैं। आग पर काबू पाने के लिए पुलिस टीमें और दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। इस घटना में मॉल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मॉल से जीवित बाहर निकले एक लड़के ने इस पूरी घटना की कहानी बयां की। उसने बताया कि एग्जिट का कोई रास्ता नहीं था। ग्लास ने डोर ने बारे ने स्मोक जोयो तो लेडीज ने बताए राड़ो पाड़वा मांडा। पछी त्याना स्टाफ अमने पाछळनी बाजू कॉर्नर मां लई गया के इमरजेंसी एग्जिट आया छे, पण इमरजेंसी एग्जिट पर फ्लेम हती केम कि एनी नीचे ज आग लागी गीधी। तो पछी मने त्या कॉर्नर मां पतरू देखाणू के आ पतरू तोड़ीने आपणे जाई शकी। तो मैं पतरू तोड़ू अने न्या बोलिंग मां मैं लगभग 20-30 जणा हता। मोस्टली बधा त्या कॉर्नर मां आवी गया हता, पण त्या धुवाड़ो एटलो होवाना लीधे के ज्यारे मैं पतरू तोड़ू एना पछी मैं 3-4 लोकोने जावा दीधा। पछी मैं मारा कझिन ने गोयतो। मॉल के जितने कर्मचारी थे वो आग लगते ही भाग निकले। जो मौजूद लोग थे उनको निकलने का रास्ता नहीं मिला। अभी भी कई लोग लापता हैं। उसने कहा मॉल के कर्मचारी आग लगते ही सबसे पहले भाग गए, कोई निकालने वाला मौजूद नहीं था। घटना के बाद पुलिस ने इस गेमिंग जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी और नितिन जैन मैनेजर व इन दोनों के अलावा एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हादसे की जांच के लिए एक विशेष दल SIT का गठन किया गया और उसको जिम्मा सौंपा गया। जांच में सामने आया कि जनरेटर के लिए 1500 से 2000 लीटर डीजल, गो कार रेसिंग के लिए 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल जमा था, जिसकी वजह से आग इतनी फैली कि पूरा स्ट्रक्चर जलकर खाक हो गया। गेम जोन से बाहर निकले और प्रवेश के लिए 6 से 7 फीट का एक ही रास्ता था। गेम जोन में एंट्री के लिए 99 रुपये की स्कीम थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग हादसे के वक्त गेम जोन में मौजूद थे। वहीं इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने स्पेशल ब्रांच की बेंच ने सुनवाई करते हुए इसे मानव निर्मित आपदा बताया। कोर्ट ने कहा कि गेमिंग जोन के निर्माण और संचालन के लिए नियमित और उचित नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड, सरदार पटेल रिंग रोड, SG हाईवे पर गेमिंग जोन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। हाईकोर्ट ने अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि निगम को ये बताना होगा कि कानून की किस प्रावधान के तहत इस गेम जोन को संचालित करने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि निगम ये जानकारी एक दिन में मुहैया कराए। इसके साथ ही कोर्ट ने अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा। वहीं इस अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी राजनीतिक हस्तियों ने दुख जाहिर किया है।